हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके पास एक किलो तक मखाना हो तो आप उसका अच्छा यूज़ कैसे करते हैं, ड्राई रोस्ट कर लीजिए मखाने को और उसके बाद उसे अच्छे से बारीक पीस लीजिए। उसमें हम डालेंगे हमारे 1 to 2 कप बादाम, काजू और उसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसे रोस्ट करने के बाद सूखा खजूर, ड्राई खजूर जो आता है उसे भी डाल देंगे। उसे क्या उस सूखे खजूर का और भी कुछ नाम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे तो याद नहीं आ रहा ऐसे। तो उसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्के हल्के में, तब तक का उसे रोस्ट करना है। वो भी रोस्ट हो जाए तो उसे थोड़ा देर ठंडा करके फिर उसे हम पीस लेंगे। उसे भी बारीक पीस के उसका भी एक अच्छा सा पेस्ट, जैसे पेस्ट नहीं पाउडर तैयार कर देंगे। पाउडर तैयार करने के बाद सब एक में ही बाउल में रखना है। डेस्क्रेटेड कोकोनट, घिसा हुआ खोपरा 1-2 कप ले लेना है। उसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक का ड्राई। गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसे भी बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब 2 चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो सब डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून घी भी डाल देना है। फिर उसमें रोस्ट करेंगे अच्छा सा, उसमें घी का फ्लेवर भी आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन हल्का हल्का हो जाएगा, तब तक का उसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद उसे भी ठंडा करके फिर उस बाउल में, जो सब बाउल एक बाउल में रखे उसमें ही ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे उसमें, उसको भी ड्राई फ्रूट पूरे सब मिले हुए पाउडर सबको मिक्स कर देना है, जिससे वो ड्राई फ्रूट वो घी के ड्राई फ्रूट में अच्छे से लग जाए, घी का फ्लेवर भी उसमें आ जाए। थोड़ा गर्म रहता है तो देख के अच्छे से मिक्स कीजिए। हाथी से मिक्स करेंगे बहुत अच्छा रहता है इसे, तो इसके लिए मैं हाथी से ज़्यादा अच्छे से मिक्स करती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है जिससे एक दूसरे में वो कंबाइंड हो जाए मैं एकदम अच्छे से। एक पैन में घी ऐड करेंगे और 1-2 चम्मच घी ऐड करेंगे और 1 कप जैगरी, उसमें 1-2 कप वाटर पानी डालेंगे और उसे अच्छे से स्टेयर करेंगे। इसके लम्स ना रहे इससे देर तक का थोड़ा स्टेयर करेंगे जब तक कि वो बॉयल मेथड में ना आ जाए। तो उसे स्टेयर करने के बाद जब तक ये बॉयल में आ जाएगा तो उसकी एक तार की जैसे चाशनी थोड़ी सी तैयार हो जाती है, थिकनेस आता है, तब तक का मिक्स करेंगे। उसमें और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उस पैन में ऐड कर लेंगे। थोड़ा चलाने में दिक्कत आता है पर फिर भी थोड़ा सा कट एंड फोल्ड करके फिर उसे बाहर ले लेंगे। अच्छे से कट एंड फोल्ड करके चलाना है। उसमें चला के 1 टेबल स्पून कार्डमम पाउडर डालेंगे, इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छे से हाथ से ही मिक्स करके फिर आपको उसे लड्डू के मेथड में तैयार कर देना है। अच्छे से लड्डू मैंने एक बनाई थी तो इसके लिए मैं दिखा रही, एक लड्डू बन गया था मुझसे। अगर जैसे वो लड्डू नहीं बन पाता है अनफॉर्चुनेटली तो फिर से थोड़ा सा जैगरी लेके 2 टेबल स्पून के हिसाब से पानी डाल के थोड़ा सा चला के फिर उसमें ऐड कर देना। फिर उसे फटाफट थोड़ा गर्म गर्म में भी लड्डू तैयार करेंगे ना तो बहुत जल्दी लड्डू तैयार होता है, नहीं तो ऐसे वो जल्दी हार्ड भी हो जाते और फिर वो उसमें लड्डू तैयार नहीं होता है। तो ये रहा हमारा 1 किलो के ऊपर तक का तो ये लड्डू मेरा बन ही गया था, जिससे आपको ठंडी में बहुत ज़्यादा काम आता है। जिसके घुटनों में पैर में ऐसा दर्द रहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे भी खाना चाहिए हेल्दी चीज़, इसमें हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, काफ़ी रिच फ्लेवर भी आता है इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, एंजॉय लड्डू।